आज हिंदुस्तान के अंदर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम का आपस में बंटवाना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम का आपस में लड़ाना चाहती हैं, जबकि हमारी सैकड़ों साल की पुरानी ये तहजीब है, ये गंगा जमनी तहजीब है कि यहाँ हिंदू मुसलमान शुरू से साथ मिल के रहता चला है, एक दूसरे के अच्छे बुरे में दुख दर्द में हमेशा से शरीक होता चला है, एक दूसरे के त्यौहार मिलजुल के मनाते चले हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में मंडे जीने में सब शरीक रहते हैं। लेकिन कुछ ताकतें आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी आ गई हैं कि जो हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करना चाहती है। हमारी जमीयत उलमा की शुरू से ये तारीख रही है कि हमेशा से वो अमन की बात करते हैं। तो आज से नहीं, आज़ादी के पहले से जमीयत उलमा ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जब से हमारी ये कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के सब ने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज भी हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी एक साथ रहते हैं। ये तो बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार का फरमान आया कि मदरसों में तिरंगा झंडा फहराया जाए, राष्ट्रीय गान गाया जाए। देखिए, मदरसों में हमेशा से राष्ट्रीय गान गाया जाता है। मदरसों की देशभक्ति पर जो लोग उठा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। मदरसे हमेशा से देशभक्ति की तालीम देते हैं, मदरसों में राष्ट्रीय गान गाया जाता है, मदरसों में देशभक्ति की तालीम होती है। ये बहुत गलत है, जो लोग कर रहे हैं गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चाहे वो देख ले जाके, हमें कोई इतराज़ नहीं। हर मदरसे के अंदर राष्ट्रीय गान गाया जाता है, मदरसे के अंदर कौमी त्यौहार 15 अगस्त 26 जनवरी सब मनाए जाते हैं, तो गलत बात है। मदरसों का कितना ताउन हिंदुस्तान की आज़ादी में है। हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख मदरसों के उलमाओं की कुर्बानियों से कटी पड़ी है। आप देखिए, जो लोग नहीं जानते वो अनजाने में बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की सही तारीख पढ़ें, मदरसों की तारीख पढ़ें, देखें कि हिंदुस्तान के मदरसों के जो उलमाओं ने तलबा ने किस तरह कुर्बानियाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर दी हैं, वो देखें, सही तारीख पढ़ें।